नमस्कार, एसडीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे सहयोगी के तौर पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, एक बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी मनीष कश्यप की, कि कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। आज देखिए, बिहार चेन्नई पुलिस क्यों नहीं लेकर आई, लगातार सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है चेन्नई पुलिस। तमिलनाडु की सरकार का ये कैसा रवैया सर, क्या लगता है? एक छोटा षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूंगी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मनीष कश्यप के मामले में क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आपकी कहीं ना कहीं आपका तजुर्बा ज्यादा है, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं आप, और मनीष कश्यप क्या काम करते थे उन पे ज्यादा कहीं ना कहीं मुकदमे थोपे गए हैं। आपने बार बार हमारे दर्शक को बताया है, मनीष कश्यप के समर्थकों को बताया है। अब आज ये बताइए कि ये जो कोर्ट में पेशी नहीं हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी नहीं हुई, ये क्या बातें, क्या राजनीति दर्शाती है? देखिए, ऐसा है कि बिहार की गवर्नमेंट जो है, और खासतौर से नीतीश और लालू, इनका पक्का तमिलनाडु का दोस्त है स्टालिन। चूंकि स्टालिन के यहाँ जो एक मंत्री था, जो अभी वो चला गया है जेल, जिसके यहाँ छापे पड़े थे, वो और ये एक ही दोनों का लैंडफॉल स्कैम, नौकरियां देना और ये करना, ये स्टालिन का भी मंत्री उसी में फंसा है, लालू भी उसी में थे, बिल्कुल। तो ये सब एक हैं, और इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, आपको बताना है, अभी नीतीश तमिलनाडु जा रहे थे इसीलिए, फिर गए नहीं, फिर उसको भेजा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को, पूरी योजना बन गई थी कि ये हम इस तरह से करेंगे। और बेतिया कोर्ट में स्पेशल आदेश थे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने स्पेशल आदेश दिए थे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को हर हाल में पेश किया जाए, और उन्होंने कहा था सशरीर, सदेह, हाँ सशरीर पेश किया जाए। फिर सीजीएम कोर्ट ने चेन्नई के मदुरई पुलिस को व कारागार प्रशासन और कारागार पुलिस को हर हाल में मनीष कश्यप को पेश करने का आदेश दिया था। देखिए, यहाँ दो बातें हैं, एक तो मुख्य जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं, जहाँ पे कोर्ट में था, उन्होंने आदेश किया, फिर वहीं के बेतिया के सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, कोर्ट ने चेन्नई के, मदुरई के, और साथ में वहाँ के कारागार को, पुलिस को, चेन्नई पुलिस को, मदुरई पुलिस को, और वहाँ के कारागार अधीक्षक को, कारागार शासन और प्रशासन को आदेश दिया कि हर हाल में ले करके आओ, पेश किया जाए। उसके बावजूद भी चेन्नई पुलिस मनीष कश्यप को बिहार लेकर नहीं पहुँची, मतलब बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। अब अभी पिछले विपक्ष की कई दलों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में खास तौर से इनको जो संयोजकत्व करने का वो रहा, और इस सबको एक किए, चूंकि डर रहे हैं, ये जान रहे हैं किसी वक्त हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, तो मुसीबत के वक्त लोग अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने शुभचिंतकों, अपने सम विचारों वालों के साथ आ जाते हैं, इसीलिए नीतीश आ रहे हैं। वहाँ एक बात रखी गई थी कि जब 23 जून को इसके पहले मीटिंग रखी गई थी, उस समय पटना में 1975 में, जिस समय जयप्रकाश नारायण जी थे, तब उसमें एक नारा दिया गया था, तब लगातार वहाँ एक ही नारा लगा था दिनकर का, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अभी 23 तारीख को ये भी नारे के लिए पहले सब लोगों ने सलाह दी, जब सलाह दी तो नीतीश ने नारा नहीं लगने दिया। अब उसका अर्थ समझ में आया, क्या वजह था, जबकि नारा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, यही नारा बिहार से उठा था, उसी जगह से उठा था, पटना से, और इन्होंने नहीं उठाया। इसके पहले बीपी सिंह के समय भी उठा था जनता पर, और संबित सरकार जब आई थी 67 में, तब भी उठा था। ये नारा इसलिए नहीं उठने दिया कि नीतीश को डर था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, इनको डर था कि नारा अगर हमने दे दिया तो बिहार की जनता ये हमारे लिए कर देगी। वास्तव में नीतीश का सिंहासन कांप रहा है, और नीतीश ने इसलिए नहीं आने दिया, नीतीश और उन्होंने,
कि अगर ये आ गए तो बिहार की सरकार चली जाएगी। नीतीश ने, लालू ने, सब लोगों ने आपस में, स्टालिन का जान गए थे कि स्टालिन का वहाँ बहुत विरोध होगा, तो स्टालिन बहुत उससे बहुत फोर्स के बीच में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो जानते थे उनसे पत्रकार लोग उनकी खिंचाई कर देंगे। और वहाँ यही तय हुआ कि जो संयोजकत कला सारे विपक्ष को लाला, कहीं अगर उसी का सिंहासन चला गया तब क्या होगा। पूरी कॉन्स्पिरेसी करके कानून का उल्लंघन किया गया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको नहीं भेजा। यहाँ दो बातें हो, तमिलनाडु गवर्नमेंट एक तो इनको ले गई बड़े उससे, वो भी इन लोगों के इशारे पे। फिर वहाँ पर जब छोड़ने की बात आ गई, छोड़ा जा रहा था, तो रात को नीतीश और इन सब ने, एक बहुत बड़े वकील ने, कांग्रेस के लोगों ने, सारे विपक्ष ने वहाँ करके उनके ऊपर रातों रात कोर्ट खुलवाई 9-10 बजे और NSA सुबह तक लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि जेल में बंद था तब NSA, फिर उसके बाद छोड़ने नहीं दिया। अब लगातार अब उसको आने नहीं दे रहे हैं वहाँ से। उसकी वजह है कि बिहार में ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही, 2024 में हम आपको बता रहे हैं, इनसे इस चीज़ से जनता तबाही हुई और इसका बल्ला लेगी नीतीश, लालू, इन सबको। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि MK स्टालिन गो बैक के नारे भी लगाया गया, क्या सरकार को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि जनता विरोध में है? क्या सरकार यहाँ पर अपने घमंड में जुटी हुई दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता है कि जनता से ज्यादा बढ़कर आज सरकार हो गई है? क्योंकि सरकारों को कहीं ना कहीं ये बातें समझ में नहीं आ रही है। मनीष कश्यप के मामले में जनता बेहद नाराज है, और अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो आने वाले चुनावों में जनता जवाब देगी। बिहार की जनता काफी संख्या में उपलब्ध है, क्या बोलेंगे? देखिए, मनीष कश्यप के बिहार आने की उम्मीद पूर्णतया टूट गई है। ये सब लोग मिलके नहीं आने देंगे। इतिहास गवाह है कि यही पोजीशन क्रश के समय हुई थी। कृष्ण को के यहाँ जितने भी संतानें हुई सबको मार दिया गया। कृष्ण को भी मार देते, जो उनकी बहन थी उसको भी मार रहे थे, परंतु वो बच गए और कंस का नाश हुआ। महाभारत हुई, आप समझ लीजिए। तो आपको बता रहे, ये एक ये है कि हुकूमत जो है कभी कभी इतनी करप्ट हो जाती है कि पूछिए नहीं। बिल्कुल। तो आपको हम बता रहे हैं कि एक वो है, रोटी क्यों जली, चूंकि इसे पलटा नहीं गया। पान क्यों सड़ा, क्योंकि इसे पलटा नहीं करा। घोड़ा क्यों अड़ा, चूंकि इसे पलटा नहीं गया। रोटी क्यों जली, चूंकि इसे पलटा नहीं गया। और बिहार की हुकूमत क्यों करप्ट हुई, चूंकि इसे पलटा नहीं गया। ये मनीष कश्यप पलटेगा, और मनीष कश्यप के साथ जो सहानुभूत है वो बिहार के शासन को उखाड़ के फेंक देगी, जैसे जॉर्ज का वहाँ पे फेंका गया, जॉर्ज का रशिया में, चाइना में वहाँ के राजा फेंका गया, ऐसे आप समझ लीजिए इनको उखाड़ के फेंक देगी ये, अगर इसी तरह करते रहे। दूसरी आपको बात बता दें कि जितना सब होने के बावजूद भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बिहारी श्रमिकों पर हमले के वीडियो को शेयर करने के मामले में मदुरई जेल में बंद बेतिया के मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने भी के यहाँ भी इनके मामले हैं। इससे आपको बताना है, जब ये आज वाली बेतिया का जो मामला हुआ उसमें वहाँ के सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा, क्या कहा है न्यायिक अधिकारी को, कि अवमानना का साम मामला बनना बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कृपया इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मदुरई के उसके लिए बनाया जाए, चूँकि मदुरई की वो लाई नहीं है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए मदुरई के शासन प्रशासन और पुलिस को। ये उन्होंने अनुरोध किया है और उस पर उन्होंने विचार का विचार करेंगे, और विचार के बाद देखे को। इसके अलावा आपको बता दें, मंझोलिया के पारस जगह पे, मंझोलिया के पारस के पे SBI की एक शाखा थी, शाखा प्रबंधक से दुर्व्यवहार का मामला लगाया गया इनको। और मामला क्या किया गया, बताया गया कि अकेला व्यक्ति मनीष कश्यप, उसने मारपीट की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। अकेला एक यूट्यूबर कैसे इतना कर लेगा, जबकि बहुत बड़ा बैंक है, उसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड, इतने एम्प्लाइज, मैनेजर का कमरा सबसे पीछे था, और
ये सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए 29 मार्च से ले गए हैं और अभी तक उसको न छोड़ने की बात है, जबकि उसके ऊपर कोई केस ने उसके NSA लगा दिया, फिर उसकी बेल नहीं होने दी, NSA का वो कराया और फिर आप समझ लीजिए इधर उसमें नहीं आने दिया। ये तमिलनाडु और बिहार गवर्नमेंट बिल के आपको एक चीज़ और बता दे रहे, क्यों ये घबरा क्यों रहे हैं, इस समय कांप रहे हैं। इन्होंने मीटिंग इसलिए की थी, और इसके पहले जब मीटिंग की थी 23 जून से पहले तो इन्होंने कैंसिल कर दी थी। हकीकत में मनीष कश्यप के भय से ये कांप रहा है, जबकि मनीष कश्यप आपको बता रहे हैं एक सिंपली यूट्यूबर लोगों का पेट पालता है, और उसको मनीष कश्यप को ये आतंकी बता रहे हैं, वहीं इशरत झा को बिहार की बेटी बता रहे हैं, जबकि सनाप बिहार है, इसको सनाप बिहार नहीं कह रहे, सनाप इंडिया है वास्तव में। आपको बताने इसी मनीष कश्यप ने अगवानी घाट के गंगा पुल की 2-3 बार न्यूज डाली थी, उसने कहा था पुल गिर जाएगा, ये हो जाएगा, SP सिंगला के सारे ठेके वहाँ के उनके, और भी एक बड़ा साला बनवाई थी एक, वो तो वो भी आपको बताने निर्माण का वो टूट गया था, उसको भी वहाँ के कोर्ट ने आदेश किया है कि आप एफिडेविट दें, किससे कहा, सरकार से, SP सिंगला का। अभी इन्होंने क्या अत्याचार किया आपको बताना है, अभी 23 तारीख को इन्होंने क्या अत्याचार किया, मनीष का एक समर्थक आशुतोष उसके पीछे फोर्स लगा रहा, वो बिहार में जब जा रहा था विरोध करने, तो इन्होंने क्या किया, मुगल सराय से लगे रहे, मगर इनकी हिम्मत नहीं हुई पकड़ने की पुलिस को, फिर उन्होंने क्या किया आरा में जब उसको पकड़ लिया तो उससे कहा कि हम तो तुमको वहाँ से लगे थे, वहाँ पे चूंकि पूरा माहौल नहीं बना पाए शादी वर्दी में, बीच में बक्सर पड़ा, बक्सर में गाड़ी नहीं रुकी, तो यहाँ पे उसको उतार लिया, उससे मिसबिहेव किया। अच्छा। आशुतोष से ये आपको बताना है, मनोज वाजपेयी का पूरे पटना में एक वो लगा है, अवनीत का एक ही बंदा काफ़ी होगा, एक ही बंदा काफ़ी होगा, ये लगाया गया था नीतीश के, मगर आपको बताना है ये मनीष कश्यप ही है, ये मनीष कश्यप ही है जो अवनीत 26, 27, 28 को भी बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की तारीखें 26, 27, 28 को एक मामले में क्या किया है, एक उमाकांत विधायक था भाजपा का, उसका भी झूठी मुकदमा मनीष कश्यप पे लगा दिया, रंगदारी मारपीट का। अच्छा। एक सिंपल सा आदमी उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि एक विधायक को मारेगा पीटेगा और रंगदारी मांगेगा, रंगदारी विधायक से बिहार में है, वो भी BJP का, सिर्फ झूठी लगा दिया। इन्होंने चनपड़िया उसमें कांड में भी किया ऐसे 27 जून को, एक 2018 में किंग एडवर्ड की मूर्ति है उसमें मनीष कश्यप ने प्रदर्शन वो सब किया था, तो मूर्ति थोड़ी वो हो गई थी, वो किंग एडवर्ड की मूर्ति पे सब ये पूजा करने जाते थे, ये नीतीश भी लालू भी, अगर उसने उस मूर्ति का विरोध किया तो क्या बुरा किया, उसका भी मुकदमा लगा दिया। 219 में पुलवामा कांड के बाद कुछ संदिग्ध कश्मीरियों के लिए किया था, तो झूठी मुकदमा कश्मीरियों का लगा दिया। आप समझ लीजिए सारे मुकदमे झूठे हैं, और मनीष कश्यप को ये लोग, मनीष कश्यप की जिंदगी, मनीष कश्यप को बिहार आने नहीं देंगे, कोर्ट का आदेश अब मानना इनके खिलाफ जरूर होगा, मगर ये नहीं सुधरेंगे बिहार गवर्नमेंट लालू वगैरह, इसका रिजल्ट आप देखिएगा 2024 में इन सबको जनता बाहर फेंक देगी। तो आपने पूरी कहानी सुन ली, मनीष कश्यप के समर्थकों के साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है बिहार के अंदर, और ये खबर ये समझा रही है, ये इशारा दे रही है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पीछे एक लॉबी हावी है, और उस लॉबी में ताकत सर कहीं ना कहीं बहुत अधिक है, और इसी वजह से वो ताकत को कमजोर करने की कोशिश मनीष कश्यप के समर्थक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन अथक प्रयास से ही सफलता मिलती है। और देखिए कब मनीष कश्यप बिहार आते हैं, बिहार आने से बार बार मनीष कश्यप को रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि अत्यधिक दबाव के कारण सरकार ऐसा कर रही है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका डिबेट से जुड़कर, आपने बहुत विस्तृत जानकारी आज दे दी है, और आपने बता दिया कि समर्थकों के साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है, और ये दिखा रहा है कि सरकार किस तरीके से मनीष कश्यप के साथ राजनीति का रंग दे रही है। आपकी जो भी राय हो जरूर कॉमेंट कीजिए।